ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, क्योंकि कला और संस्कृति से मेरा बहुत लगाव है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आके हमें जो शिक्षा मिलती है, उससे हमें ये लगता है कि जीवन जीना भी एक कला है, और हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बना सकते हैं, और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी शिक्षा मिलती है। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में 2013 में आई, अपनी मम्मी के कहने पर। परिवार से हमेशा ऐसे संस्कार मिले हैं कि परमात्मा से जुड़े रहना और स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और उन्हीं की ब्लेसिंग से, परमात्मा की मदद से मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहती थी मैंने सभी कुछ किया। ऐसा कभी नहीं लगा किसी बात की कोई कमी है, लेकिन कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, सब कुछ अचीव करके भी ऐसा लगता है जो खुशी मिलती है वो बहुत थोड़े समय की है, टेम्परेरी है। तो ऐसा क्या हो कि परमानेंट खुशी रहे हमारी लाइफ में और हम महसूस करें कि हम सक्सेसफुल हैं हर पल। तो जब मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे योगिनी दीदी से बहुत मदद मिली। मैं बॉम्बे में कोर्स करने के बाद दीदी ने मुझे गाइड किया कि मैं जो ज्ञान है उसे कैसे अपनी ज़िंदगी में धारण करूं और उसे फॉलो करूं। तो दीदी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूं, जो मुझे हर बार माउंट आबू लेकर आई और मुझे गाइडेंस दी। मैं बहुत खुश होती थी यहां आकर सभी भाई बहनों से मिलकर, क्योंकि ऐसा वातावरण मैंने और कहीं नहीं देखा। दुनिया में जो कुछ भी देखा है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत खास लगा। सबके चेहरे इतने खुशी से भरपूर, और मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी इन्हीं भाई बहनों की तरह बनना चाहती हूँ। और मैंने योगिनी दीदी से कहा कि मुझे भी सेंटर पर रखिए, मैं यूनिफॉर्म पहन के ईश्वरीय सेवा करना चाहती हूँ और माउंट आबू में सेटल होना चाहती हूँ। तो योगिनी दीदी ने कहा कि आप दोनों में आगे बढ़िए, अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ो और स्पिरिचुअलिटी में भी, क्योंकि कला के माध्यम से हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। और सभी के आशीर्वाद से मुझे शुरू में लगा शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन इतना आसान नहीं है, तो मैं समय कैसे निकालूंगी स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेकिन मुझे ये सीखने को मिला कि राजयोगा मेडिटेशन सबसे आसान है, और खासकर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास अलग से समय नहीं मिलता मेडिटेशन का तो भी वो ये मेडिटेशन कर सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, तो आज मैं बिजी भी हूँ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी के ब्लेसिंग से मैं जो कुछ भी करना चाहती थी मैंने किया। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे समय मिले मैं कुछ दिन के लिए माउंट आबू आके क्लासेस अटेंड करूँ और मेडिटेशन करूँ। तो अभी भी कुछ हफ्ते पहले मैंने दीदी को कहा कि मैं कुछ दिन के लिए आना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप इसी तारीख को आइए कि यहाँ पर ये फंक्शन है और अटेंड करिए। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में आने का योगिनी दीदी ने मुझे निमंत्रण दिया। और जब हम एक कलाकार जब ईश्वर से जुड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कला जो है वो परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है, और जितने भी कलाकार हैं वो परमात्मा की विशेष संतान है। तो जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं हमारी कला में और भी निखार होता जाता है, और उसके माध्यम से हम पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे समाज में सुख और शांति बनी रहे। और एक स्वस्थ समाज बनाने में एक कलाकार अपनी मदद कर सके। तो ये
हमें हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जितने भी कलाकार हैं कि उन्हें परमात्मा की विशेष मदद मिलती रहती है। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें कि राजयोग मेडिटेशन कैसा है और उसे अपने जीवन में अपनाकर वो सभी कुछ अचीव कर सकते हैं जिसका हमें हमेशा से इंतजार रहता है, हंसी खुशी सफलता पीस और जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं। और अपनी शक्तियों को भी पहचानकर, अपने आप को पहचानकर विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं आर्ट एंड कल्चर विंग के इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने कला और संस्कृति को, हमारे देश की इस कला को कायम रखा और उसे आगे बढ़ाने में जो विशेष कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी को जो भी यहाँ पहली बार आए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।